हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआर नर्सिंग क्लासेस। माय सेल्फ सुमित पारिक, और जो टॉपिक मैं आपसे आज डिस्कस करने आया हूँ वो है आपके सब्जेक्ट साइकोलॉजी का डिफेंस मैकेनिज्म। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है डिफेंस मैकेनिज्म। देखिए, जब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, जैसा ये वर्ड है डिफेंस मैकेनिज्म, इस पर ज़रा फोकस करें। लिखा हुआ है डिफेंस, डिफेंस का मतलब होता है बचाव, और मैकेनिज्म का मतलब है तंत्र। यानी कुल मिलाकर कोई ऐसा तंत्र है, कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो किस काम में आ रहा है, आपके बचाव करने के काम में आ रहा है, डिफेंस करने के काम में आ रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, डिफेंस मैकेनिज्म। जब बात करें इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिफेंस मैकेनिज्म जो टर्म है, सबसे पहले जो काम में ली गई थी वो ली गई थी आपके सिगमंड फ्रॉयड, जो काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं साइकोलॉजी में। आपने बहुत बार सुना होगा इनका नाम, बहुत बार पढ़ा भी होगा। और इन्हीं का दूसरा नाम आप जानते होंगे कि हम इन्हें किस नाम से जानते हैं, तो सिगमंड फ्रॉयड कहलाते हैं फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। जो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है सिगमंड फ्रॉयड, उन्हीं ने पहली बार जो टर्म काम में ली डिफेंस मैकेनिज्म, 1904 के अंदर पहली बार इस टर्म को काम में लिया गया सिगमंड फ्रॉयड के जरिए। तो 1904 में जब सिगमंड फ्रॉयड ने इस टर्म को काम में लिया, तो उन्होंने कहा कि सब डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा टर्म है जिसका मतलब होता है कि सब ऐसी कोई बॉडी का मैकेनिज्म जो आपको बचाएगा, प्रोटेक्ट करेगा, जब कभी भी आपकी बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में एनजाइटी फील करेगी, घबराहट फील करेगी, टेंशन को कम करने के लिए, हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए जो बॉडी हमारा डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगी बचाने के लिए, वही कहलाएगा आपका क्या, डिफेंस मैकेनिज्म। ये बात उन्होंने कही थी 1904 में, यहाँ पे लिखा भी है मैंने, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड डिफेंस मैकेनिज्म रेफर्स टू अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब है ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको अपना एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली बॉडी आपको बचाने के लिए इस प्रोसेस का काम लेगी। इसीलिए यहाँ पर ये वर्ड ऐड किया गया है, अनकॉन्शियस प्रोसेस। डेट प्रोटेक्ट पर्सन, जो बचाता है पर्सन को, किससे बचाता है साहब, फ्रॉम एनजाइटी। एनजाइटी का मतलब है घबराहट, लॉस ऑफ सेल्फ एस्टीम, ऐसी कोई कंडीशन जहाँ पर आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, या फिर अनएक्सेप्टेबल फीलिंग। अनएक्सेप्टेबल का मतलब है, फीलिंग का मतलब है भावना, और अनएक्सेप्टेबल का मतलब है ऐसी भावना जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ग्रहण नहीं कर पाए। ये उन्होंने कहा था 1904 के अंदर सिगमंड फ्रॉयड ने। यहाँ तक बात चली, उसके बाद देखिए, उसके बाद इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुए, और मॉडिफाई करने वाला कोई और नहीं, इन्हीं की डॉटर थी जिनका नाम था एना फ्रॉयड। इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म में मॉडिफिकेशन किए 1936 के अंदर। तो अभी तक हमने बात करी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, आपको बताया कि साहब डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है, किसने दिया था, किसने उसको मॉडिफाई किया था, कौन से ईयर में ये आया था, किसने पहली बार टर्म काम में लिया था। अब बात करेंगे हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन पर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूँ कि डिफेंस मैकेनिज्म आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। या आपसे एग्जामिनर डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से भी पूछ सकता है, या आपसे एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से भी पूछ सकता है, या फिर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से भी पूछ सकता है, और या फिर इसका आखिरी नाम जो है मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो डिफेंस मैकेनिज्म याद करने के लिए आपको चारों नाम ध्यान में रखना जरूरी है, मतलब चारों का एक ही है, जो आपको इंट्रोडक्शन बता दिया वही डिफेंस मैकेनिज्म है, उसी का नाम एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, उसी का नाम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है, और उसी का नाम मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। जैसा कि सिगमंड फ्रॉयड ने बताया कि साहब जब कभी भी हमें एनजाइटी होती है, बेचैनी और घबराहट होती है, हम कॉप नहीं कर पाते हैं इस कंडीशन से, उस दौरान हमारी बॉडी स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म यूज़ करती है, उसी का नाम उन्होंने क्या दिया, डिफेंस मैकेनिज्म। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट द स्ट्रेस,
या एंजाइटी टू प्रोटेक्ट सेल्फ। रेस्पॉन्स है किसका, रेस्पॉन्स है बॉडी का, बॉडी का रेस्पॉन्स है अगेंस्ट किसके विरुद्ध, स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब है आपके तनाव, या फिर एंजाइटी घबराहट, टू प्रोटेक्ट सेल्फ खुद को बचाने के लिए। तो ये देखिए, रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट द स्ट्रेस और एंजाइटी टू प्रोटेक्ट सेल्फ इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म। कि साहब जब कभी भी बॉडी में बेचैनी बढ़ेगी, कोई कंडीशन टेंशन के कारण एंजाइटी बढ़ जाएगी, उस दौरान हमारी बॉडी हमें बचाने के लिए एक स्पेशल टाइप के मैकेनिज्म का काम करेगी, और वो मैकेनिज्म का नाम ही क्या पढ़ रहे हैं हम, डिफेंस मैकेनिज्म। इसके अलावा एक डेफिनेशन और है जो आप याद कर सकते हैं, व्हेन ए पर्सन फेस द प्रॉब्लम, जब कभी भी कोई व्यक्ति समस्या किसी मुसीबत का सामना करता है, बट अनएबल, लेकिन इतना एबल नहीं है, इतना सक्षम नहीं है, किसके सक्षम नहीं है, टू सॉल्व देम, उस समस्या को उस घटना को सही करने में सक्षम नहीं है, तो ही यूज स्पेसिफिक डिवाइस टू बिकम सेटिस्फाइड। तो वो खुद को संतुष्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस का काम लेता है, और उसी डिवाइस का नाम हम फिर क्या बोल रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। तो ओवरऑल आपने देखा, अगर आपसे पूछे कि साहब व्हाट इज डिफेंस मैकेनिज्म, तो आप बता दें रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट द स्ट्रेस और एंजाइटी इज कॉल्ड डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर आप बता दें व्हेन ए पर्सन फेस द प्रॉब्लम बट अनेबल टू सॉल्व देम ही यूज्ड स्पेसिफिक काइंड ऑफ मैकेनिज्म व्हिच इज नोन एज डिफेंस मैकेनिज्म। तो अभी तक हमने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में दो पॉइंट क्लियर कर लिए, कि डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया, मतलब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमने, कौन से साइंटिस्ट ने यूज लिया, उनकी बेटी ने इनको मॉडिफाई किया, क्या क्या बातें थी इंट्रोडक्शन में, वो सारी बातें हम क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा इसका डेफिनेशन, जो आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब कभी भी हमारी बॉडी स्ट्रेस या एंजाइटी के अगेंस्ट हमें बचाने की कोशिश करती है, तो वह एक स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म काम में लेती है, उसी मैकेनिज्म को हम क्या बोल के चल रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। अब आगे प्रोसीड करते हैं इसके बारे में, तो हम देखते हैं कि साहब पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म क्या है। पर्पस का मतलब डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी जो काम में लेती है इसका उद्देश्य क्या है, क्या क्या इसके पीछे बॉडी का जो मैकेनिज्म है, क्या कुछ बचाने की बॉडी कोशिश कर रही है, क्या उसका उद्देश्य है। तो जरा देखिए, पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, पर्पस का मतलब है उद्देश्य, उद्देश्य किसका साहब, डिफेंस मैकेनिज्म, जो आप पढ़ के आए हैं डेफिनेशन में, उस डिफेंस मैकेनिज्म का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। पहला पॉइंट, टू रिलीव एंजाइटी और स्ट्रेस। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब कभी भी हमारी बॉडी स्ट्रेस या एंजाइटी को फील करेगी वो क्या काम में लेगी, डिफेंस मैकेनिज्म। तो पहला उद्देश्य तो क्या हो गया इसका, टू रिलीव एंजाइटी और स्ट्रेस, कि घबराहट को और तनाव को कम करने के लिए, इससे रिलीव का मतलब है छुटकारा पाने के लिए, जो बॉडी जो डिफेंस जो मैकेनिज्म काम में ले रही है वो मैकेनिज्म क्या कहला रहा है आपका, डिफेंस मैकेनिज्म। तो पहला पर्पस है इसका टू रिलीव एंजाइटी एंड स्ट्रेस। जब बात करें सेकंड पर्पस की, तो लिखा हुआ है टू बिकम सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब है संतुष्ट, बिकम टू यानी खुद संतुष्ट होना, खुद को सेटिस्फाई करना, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए कि सब आपका सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम का मतलब है आत्मसम्मान, जब कभी भी किसी परिस्थिति के अंदर आपके आत्मसम्मान को ठेस लगे, उस दौरान भी क्या होता है हमारी बॉडी पे एंजाइटी बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। तो उस दौरान एंजाइटी और बेचैनी को कम करने के लिए जो डिफेंस मैकेनिज्म हम काम में ले रहे हैं, वही इसका दूसरा पर्पस है, टू बिकम सेटिस्फाइड। बात करें तीसरे पर्पस की, टू बिकम हैप्पी, खुद को खुश रखने के लिए। जब एंजाइटी बढ़ेगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, तो हम लोग खुश नहीं रह पाएंगे, तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी हमको खुश रखने के लिए इसी मैकेनिज्म का काम करती है, जो हम पढ़ चुके हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म या एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कुछ भी आप लोग कह लें। तो हमें खुद को खुश रखने के लिए भी किसकी ज़रूरत पड़ती है, डिफेंस मैकेनिज्म की। अब बात करें इसके लास्ट पर्पस की, टू प्रोटेक्ट सेल्फ एस्टीम, ये हम बात कर चुके हैं सेटिस्फाइड संतुष्ट होने के लिए, बताया था कि सब आत्मसम्मान को ठेस पहुंच जाए, तो सीधा सीधा ये पॉइंट लिख दिया है यहाँ पर, टू प्रोटेक्ट सेल्फ एस्टीम, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, उसके कारण जो हमें एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट हुआ है उसको कम करने के लिए भी
बॉडी किसका यूज कर रही है, डिफेंस मैकेनिज्म का। तो यहाँ आपने देखे पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, या चार पर्पस बताए हैं आपको, टू रिलीव एंजाइटी, तनाव को कम करने के लिए, टू बिकम सेटिस्फाइड, खुद को संतुष्ट करने के लिए, टू बिकम हैप्पी, खुश रहने के लिए, और टू प्रोटेक्ट सेल्फ एस्टीम, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए। यहाँ तक ये चार पर्पस की हमने बात कर ली है। तो डिफेंस मैकेनिज्म के तीन पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, पहला इंट्रोडक्शन है, सेकंड है आपका डेफिनेशन, और तीसरी बात करी हमने पर्पस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। इसके आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और जो कुछ भी आप लोग और वीडियोस चाहते हैं, जो आपको डाउट वगैरह हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं, आगे की क्लासेस उन्हीं टॉपिक पर हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।